कैमरा टेस्टिंग चल रही है। हलवा है किस चीज का? हलवा है, याद है वो हैदराबाद में भी था ये। हाँ, किसी फ्रूट या किसी चीज का हलवा है। कहाँ से हुआ है ये? शायद संतरे का तो नहीं, मम्मी ये जो नागपुर का है, केरला करने से आया। केरला का। सो गाइस, ये मैं सुबह सुबह खा रही हूँ केले के चिप्स, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट है। हमारे घर में हमेशा केले के चिप्स रहते हैं और ये केरला का कोई स्वीट डिश है ना। और यहाँ पे मम्मी बैठी हैं और मम्मी देख रही हैं अपना सीरियल बैठ के। ये मम्मी आ गई हैं खाना लेके। हम तो सब खा चुके हैं। हाँ, हम तो सब खा चुके हैं मेरी अलमारी के पर्दे में। जी, फिर से केले के चिप्स रीटेक ले। एंड हाँ, अरे वो हो रहा है, ये मम्मी कंबल तय करते हुए बीच बीच में अपनी ड्यूटी भी निभाते हुए। वाइट बैकग्राउंड तक अच्छा है, एकदम साफ साफ। ये राजू है, उनको नहाने के लिए बोल रहे हैं बार बार कि जान जा ही नहीं रहे। तेरे क्या समस्या है? हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में आज स्वागत है। और मैं और राजू हैं, हम लोग आए हैं सरोजनी नगर साउथ स्क्वायर मॉल। तो मोनू गया भी नीचे पार्किंग करने के लिए और हम जा रहे हैं अभी दूसरे एंड पे वेट करने के लिए। जैसे ही वो पार्किंग करके ऊपर आएंगे, फिर हम उनके साथ अंदर जाएंगे। और बेसिकली आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। और व्हाट इज़ दिस, सागर रत्न बंद है क्या? हाँ चलो कोई नहीं, सागर रत्न बाद में आएंगे। हम लोग अभी घर में डोसा खा के आए हैं, बड़ा बहुत तेज़ हमें नशा हो रहा है वैसे ही उनका, तो अभी मन नहीं कर रहा। तो चलो जल्दी से एक बार मोनू आ जाता है, फिर हम चलते हैं आगे। तो ये बंदा अपना अपना दिखाई दे रहा है। कौन है ये? अपना अपना सा दिख रहा है। आ जाओ अपने अपने, आ जाओ। अलादीन का मैटर, अरे उड़ सकते हैं क्या? उड़ सकते हैं क्या? उड़ना है हमें तो। उड़ाना नहीं यार, केसी वाला कवर होगा, वाशिंग मशीन का कवर, पैंट में डूबेगी। वाशिंग मशीन का कवर नहीं, मेरे को पैंट में। ये रहा ना, देख। अभी हम सरोजनी मार्केट आए हुए हैं और सरोजनी मार्केट में वैसी रौनक नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। एकदम खाली नोटबुक पड़ी है। शिवा सिंह, ओके। कैसे लगाए हैं आपने ये? 150। आजकल मार्केट में इतनी भीड़ रहती भी है, खाली खाली रहती है? ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, रहती है। कल परसों ज़्यादा भीड़ थी ना, अभी थोड़ा संडे तो थोड़े रहते हैं, लेकिन पहले की जैसे भीड़ नहीं हो जाएगी। हो जाएगी अपनी बना रहे हम तो, चाहिए चाहिए तेरे को? फिर तेरे को दिखा दे। चलो खाली हाथ भैया। भाई का फिक्स प्राइस है 200। भाई
यहाँ आते ही नन्नू पागल हो चुकी है, चीजों के पीछे लग चुकी है। कुछ भी नहीं लिया नन्नू, ले नहीं रही है, बट हर दुकान पे पॉज होती होती हुई आ रही है, जैसे पता नहीं सारा एरिया खरीद के जाएगी। यहाँ आते हमें कह रही थी कुछ नहीं भेज रही है, यहाँ मैं आते हुए कह रही थी कि इसके जितने पैसे हैं इतने पैसे हैं कि गिनती नहीं है। मुझे लगता है इन पैसों की गिनती कपड़ों में करना चाहती है ना जीजू, आपका क्या कहना है? पैसों को कपड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ये पैसों को कपड़ों में कन्वर्ट करेगी। ये देखो लड़कों लड़कों बोल के हमें पकड़ा के चलेगी, क्यों भाई, लड़के लड़कियों में फर्क होता है क्या? हैं, तो हम शॉपिंग कर चुके हैं, अब हमने सामान ले लिया है। ये देखो जीजू के हाथ में है सामान, वो रहा। तो अभी हम जा रहे हैं आगे और मार्केट को हांडने के लिए, देखते हैं इस मार्केट में और क्या क्या मिलता है, फिर जो हमें मिलता है फिर हम आपको बताते हैं। तब तक का तो बस यही सीन है, देखते हैं। इसे मार्केट बहुत खाली है, प्राइस डाउन कर रखे हैं, कहीं कहीं लोग ऐसे हैं कि प्राइस एकदम हाई करके बैठे हुए हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते, वो कम करते नहीं, बिकॉज वो भी लॉस में है, कई दिन से तो सभी लॉस में चल रहे हैं आजकल। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं और क्या मिलता है हमें। देखो भैया नन्नू की शॉपिंग खत्म हो ही नहीं रही है, सारी जगह देख चुकी है फिर भी इसकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है। इतना तो खरीद लिया है, फिर भी कही जा रही है मैं खरीदूंगा खरीदूंगा, तो फिर कोई नहीं, मैं मार्केट में ही है। बट स्टिल नन्नू का बैग भरा पड़ा है और उसके हाथ भी यूँ कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और, कहाँ जा रही है नन्नू? देखो यहाँ पे आके नन्नू की आँखें एकदम ऐसी हो जाती हैं, पता नहीं क्या उठा लूँ क्या उठा लूँ। है जी जो सही है ना, यहाँ आके नन्नू की आँखें खराब हो जाती हैं। नन्नू के कपड़े लेने का तरीका वो देखो वहाँ पे नन्नू शॉपिंग कर रही है, वो रही ग्रीन वाले, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन में बहुत देर से शॉपिंग करे जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन भी हो रहा है, भैया करवा रहे हैं, रूमर चला रहा था भैया करवा रहे, देखो सबको डिस्टेंस से बैठाया, भैया खुद भी डिस्टेंस से बैठे हैं, और भैया बता रहे हैं कि कल या परसों सरोजनी शायद बंद हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। और ये कैसे हो? तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, मैंने नन्नू की सारी शॉपिंग बिगाड़ दी, खुद बार्गेन करने घुस गया, 350 लगवाया मैंने तो, नहीं करेगा सरोजनी में 350। अरे वो मेरे को पता नहीं था, मैंने वो 500 रुपए में दो ड्रेस करा दी, 250 ईच हो गया, इसको पसंद नहीं आया, इसको यूँ हो गया भाई, कहने करा दिया, ये मेरे पीछे पड़ गई उसके बाद से, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं, मैगडी में बैठे हैं, भूख लगी थी, सबसे बड़ी बात है भूख नहीं लगी थी, हमें प्यास लगी थी, और वो भी किसकी, कोका कोला की प्यास, बहुत प्यासे हैं हम। हम कोका कोला पीने का वेट कर रहे हैं, नन्नू गई ऑर्डर करने के लिए, उसके बाद आई वो बोला, फिर हम पिए कोका कोला, बस कोका कोला एंड कोका कोला। तो ये आ गया है हमारा पीने का, खाने का, खाऊंगा सिर्फ मैं, वो भी छोटे से बर्गर, मैं सोचा कुछ इतना लंबा थोड़ा बोला पीने के लिए लेके आया जाए तो कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। और ये सॉस टमाटर की चटनी है, टमाटर की चटनी के बिना बर्गर खाया नहीं जाता हमसे, तो भी फटाफट हम अपने आप को वापस हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे एक काम के लिए और जाना है। वही मिटा सकती है इतनी गर्मी में प्यास, भाई दिमाग ख़राब हो गया इतनी गर्मी, बट सही बताता हूँ लड़कियों की एनर्जी क्लोथ्स से आती है, नन्नू तो एकदम हाइड्रेटेड है, ऐसे एनर्जेटिक कोई घूम रही थी कपड़े देखती है ना जैसे, हम लोग की एनर्जी डाउन हो गई है, हमें शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं, हमें इतना पता लग गया। ये माइक
और ये सब चीज़ें तेरे हवाले करता हूँ। और आज का बादशाह राजू। हम पहुँच चुके हैं साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक में, क्योंकि यहाँ पे जिन शॉप्स पे हमें जाना है कुछ देखने के लिए, वो तो सारी की सारी शॉप्स यहीं पे हैं। इसीलिए हमने इस डेस्टिनेशन को चूज़ किया है आने के लिए। और यहाँ पे अभी हमारी एंट्री हो रही है। पहले हमें सैनिटाइज किया जाएगा एंड देन हमें एंट्री मिलेगी। तो एक बार मैं एंट्री ले लेता हूँ। ये एंट्री हम कर चुके हैं और ये देखिए सामने बड़ा सा शीशा और यहाँ पे है लिफ्ट और पीछे बज रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है। और ये आगे हमारे लिफ्ट और ये अभी हम लिफ्ट को प्रेस कर देते हैं, देखते हैं ये पहले आएगी या वो वाली पहले आएगी। तो वेट करते हैं, यही पहले आ रही है क्योंकि पी वन पे हैं हम। और एक सेकंड में देख लेता हूँ कि एग्जिट कौन सी, एक बार एग्जिट देखिए कौन सी है। ठीक है तो चले एंट्री करते हैं। तो गाइस बॉयज पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन में। तो ये राजू, यहाँ पे मोनू, ये लोग कैमरास देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कैमरा टेस्टिंग चल रही है। यहाँ से हमने लिया है एक छोटा सा गिफ्ट जो हम आपको थोड़ी देर के बाद दिखाने वाले हैं कि हमने क्या लिया है। अभी हम नहीं दिखाएंगे और अभी हम बस यहाँ से चलते हैं। आए थे कुछ और लेने, ले लिया हमने कुछ और अभी शायद यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो कुछ और भी लिया जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कपड़े हैं, देख के फिर मन करता है लेने का, लेकिन अभी मैं लेना नहीं चाहता, इसलिए अभी मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। तो अभी यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं और सेम एग्जिट से एग्जिट ले रहे हैं। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। यहाँ से हम निकलेंगे, पास में ही गाड़ी खड़ी है और जल्दी से फटाफट पहुँचने वाले हैं हम आगे। बीच में फ़ोन आ रहा है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, पता नहीं किसका फ़ोन। अभी शाम के बज चुके हैं 8, रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, वैसे तो शाम नहीं है। और हम आए थे ब्रिक लेने के लिए बाहर, और ये ब्रिक हमने ले ली है, पीछे मदर डेयरी का बूथ था। और वापस हम चल पड़े हैं घर की तरफ। अब हम जाएंगे, सबसे पहले खाना खाएंगे, ब्रिक को फ्रिज में रख देंगे, अदरवाइज़ ये पिघल जाएगी नहीं तो। और जैसे ही हम खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद आज इच्छा है हमारी ब्रिक को अनब्रिक करने की। तो अभी मैं एक बार रोड क्रॉस कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो गाड़ियाँ कितनी धीरे आ रही हैं सामने से, और हम बिल्कुल इजीली रोड क्रॉस करने में सक्सेसफुल हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और देखते हैं, बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही हैं और हम ये रुक चल 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 चल। और ये फाइनली हमने कर लिया है रोड क्रॉस, यहाँ पे हमने विजय प्राप्त की है दिल्ली के ऊपर, इसीलिए हमें दिल्ली के तख्ते ताऊत के ऊपर बैठाया गया है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, इससे आगे का एरिया मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो उसके बाद फिर हम मिलेंगे ब्रिक खाते हुए। अरे ब्रिक है ना, पिघलनी शुरू हो गई है क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर है अराउंड 42 डिग्री। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ से ये पिघलनी शुरू हो गई है, बाहर आ चुकी है। और जल्दी से जल्दी हम अभी पान सिंह तोमर बन चुके हैं और ये घर पे बस पहुँच ही गए हैं। हाय गाइस, अभी मुझसे माइक के सामने का जो इसके आगे लगा हुआ था वो कहीं गिर गया है। अगर किसी को पता है कि इसको वापस कहाँ से ऑर्डर किया जाता है तो प्लीज़ मुझे बताना। और बाकी हम चलते हैं अभी मम्मी को देखने, क्योंकि मम्मी को दिया था मैंने हलवा बनाने के लिए हलवा, और मम्मी से ऑन रिक्वेस्ट बनाया था। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बेसन का ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाती हैं, बेसन का आटे का और सूजी का, बेसन का आटे का और सूजी का हलवा को मिक्स करके बनाया है। हलवा टेस्टी और हेल्दी हलवा। ओके तो चलो मैं लेके चलती हूँ अभी हलवा, और फिर हम इसको खाते हैं, कटोरी में डाल दें। बिल्कुल डालते हैं। मैं भी मेरी मम्मी बहुत बहुत अच्छा हलवा बनाती है,
तो आज के दिन मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करूँगी, मैं पूरा हलवा खाऊंगी। और देखो मैंने मोनू को भी खिलाया पूरा हलवा। हलवा कैसा बना है? बढ़िया बढ़िया। वैसे मैंने सूजी का बोला था, मम्मी ने मिक्स कर दिया, इसमें आटा और बेसन भी डाल के बना दिया, बट आज मैं मिस नहीं करूँगी, बहुत यम्मी बना है। तो सो अभी हम लोग खाने के बाद खा रहे हैं आइसक्रीम। हम लेके आए थे दो फ्लेवर्स आइसक्रीम के। कौन से थे ये? कौन सा था दूसरा? दोनों आइसक्रीम का एक एक स्कूप इसमें डाल दिया है ताकि इसको बनाया जाए एक बड़ा फ्लेवर। आप ले लो ना, आप ले क्यों नहीं रहे हो? नहीं बना लिया मैंने, मैं और राजू ने तो खाने में शुरू कर दी। और मम्मी अभी आ रही है, मैं मम्मी के साथ बैठ के खाऊंगी। देखिए इस इंसान को, ये इतना शरीफ बनता है, और देखिए स्वाद इतना ज्यादा है। हमें एक ही कटोरी में दिया है, और हमने कहा था सबको आधा आधा डब्बा आएगा, और अकेले लेके बैठ गए डेढ़ डब्बा। क्यों खाए किया ऐसा? तुम्हें पहले ही पता था ना वहाँ दो डब्बे हैं। So yummy. तुम्हें पता था ना वहाँ पे दो डब्बे, फिर भी ये किया तुमने। अपने लिए ज़्यादा बेचारी मत बनो। अभी आइसक्रीम हम खा के बैठे हैं और व्लॉग भी एडिट होके मैंने अपलोड कर दिया है। सुबह 11 बजे का अपना वही टाइम है, उसी पे आ जाएगा। और अब बच चुके हैं रात के 12, और इसी के साथ हम यहीं पे करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर से मिलेंगे आपसे दोबारा से नए व्लॉग में। इसी के साथ दीवानी पहुँच गए। क्योंकि कल हम सुबह सुबह जाएंगे और फिर अपनी नेक्स्ट ड्यूटी को हम टेक ओवर कर लेंगे। ओके